तो हाय गाइस, इट्स मी प्यार गेम वाईटी। यार देखो, आप लोगों ने देखा होगा लो डिवाइसेस में लैग होता है, बहुत ज़्यादा लैग होता है। बट यार देखो, ये मेरे डिवाइस में क्या होता है। भाई कम से कम कुल मिलाकर के जिंदा तो बचे। खैर अब जिंदा बचे तो यार आगे का काम तो हमें खाली मतलब करना ही पड़ेगा। मतलब तुम समझ ही गए होगे, मतलब थर्ड हिल को खाली करना है। तो यार मैं तो अपनी गन मतलब ढूंढने की पूरी पूरी जुगाड़ में लग जाता हूँ कि भाई गन मिल जा और मैं मतलब खाली कर दूँ। बट पता है क्या होता है, मेरे को गन ही नहीं मिलती। और गन मेरे टीममेट को मिल जाती है, बैरल और भाई शॉटगन। तो अब मैं उसके पास जा रहा हूँ और उससे ये गन ले लूँगा, मतलब मांग लेता हूँ, थोड़ी दे देता है बट वो। अब भाई मैं बंदे को ढूंढने के लिए बाहर आता हूँ बट बंदा तो यहाँ पे होता ही नहीं है। बाद में पता चलता है बंदा तो भाई ऊपर है। बट भाई मैं इसे मतलब भर देता हूँ, मुझे पता है कुछ खास नहीं भरा बट पूरी पूरी ट्राई करता हूँ इसे भरने की और भर भी देता हूँ। अब भाई देखो, वहाँ का तो मैटर सॉल्व हो जाता है बट यहाँ पे एक बंदे को मतलब दो बंदे एक बंदे को नॉक कर देते हैं। भाई मैं इधर जाता हूँ, ये मेरे को भी 1 HP कर देते हैं। तो मतलब यार 1 HP हो गया था, तो मैं पहले तो झटपट हेल्थ लगाता हूँ क्योंकि भाई हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है इस गेम में। तो भाई देखो, हेल्थ लगाते लगाते मैं देखता हूँ भाई लेफ्ट में से बंदा आ गया। और भाई मतलब ये वाला स्प्रे अच्छा लगा हो तो बस लाइक करना। मतलब मुश्किल से कितनी गोलियां बची तुमने खुद ही देखी होंगी। अब मतलब इसे नॉक करने के बाद इसका टीममेट भाई मतलब भाग जाता है यहाँ से, मतलब लंबा पड़ जाता है। उसे पता था भाई कि ये लौंडा मतलब बहुत गंदी आदत का, ये भरेगा जरूर। तो खैर मैं यहाँ पे आके इसके टीममेट को देखता हूँ और मतलब यहाँ पे भाई साहब बैंडेज लगा रहे थे। मतलब यार देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ करो बट भाई खुद का औकात ना हो किसी भी बंदे को नॉक करने का। तो यार उस पर पहले से स्प्रे मन दिया करो, खासकर मेरे जैसे बंदे भी। भाई मैं अगर भाई मेरे को कोई एक गोली भी मार दे तो भाई मैं मतलब मेरी क्या बताऊँ, मेरी जल जाती है भाई बुरी तरीके से। मैं बंदे के पीछे पड़ता हूँ, उसे पूरा फिनिश ही करता हूँ। खैर भाई मैं नोवा से मना कर देता हूँ, बॉट के सारे के लिए मेरे को दे देना। तो नोवा किसी भी बॉट को नहीं मारता है। और मतलब मैं ये 2 किल ले लेता हूँ। अब देखो, बिना बॉट के तो मारे मतलब गेम प्ले बन नहीं सकता, तो थोड़े बहुत तो बॉट मारने पड़ेंगे। खैर एक और बॉट मिल जाता है मुझे, जिसे मैं नॉक कर देता हूँ एंड भाई लगे हाथ फिनिश भी कर लेता हूँ। अब भाई मैं और नोवा यहाँ से जा रहे थे, तब तक पता नहीं ये बॉट दारू पी के पता नहीं कहाँ से चला आता है। तो भाई मतलब इसे ज़्यादा तंगड़े नशे हो जाते हैं, तो मतलब इसका नशा मैं उतार देता हूँ और बताता हूँ भाई तुम बॉट हो, बॉट बनो, हम नूब प्लेयर हैं। फिर भी नूब प्लेयर जो होता है वो बॉट के लिए प्रो माना जाता है। तो मतलब एक तरीके से इसके लिए भाई मैं प्रो हूँ, ठीक है। अब भाई तुम लोगों को पता चलेगा मुझ जैसे बंदे मतलब इतने डेंजर क्यों होते हैं। मतलब भाई तुम देखो बस और इन्जॉय करो, बस इतना ही बोल सकता हूँ। क्योंकि भाई अभी तक तो तुमने बस बॉट और एक आध दो बंदे मारते देखा होगा, और आप देखो बस। मतलब भाई M249 ले करके इतना बढ़िया सा नाम लिख करके मेरे को नॉक नहीं कर पाया। मेरे पास भाई एक AKM थी जो भी रीलोड पे चली गई थी और दूसरी गन चलाने लायक नहीं थी, तो भाई उसे मैं मतलब निकालता नहीं हूँ। तो तुम भाई सोच सकते हो, तुम्हारा भाई इतना घुस के मारता है ना बंदों को, कह रही है तो कुछ भी नहीं है। अब तुम देखते चलो बस। भाई इसके दूसरे लौंडे को भी पेल देता हूँ, लेकिन यार यहाँ पे ये बॉट आ जाता है, बॉट की तो बस मूवमेंट देखो बस। खैर यार यहाँ पे हल्का सा लैग हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी मूवमेंट स्लो हो जाती है। खैर मुझे खुद पे भी थोड़ी बहुत शर्म आती है बट मैं क्या ही कर सकता हूँ यार, मतलब हो जाता है। खैर मतलब 1 महीना और काटो, उसके बाद गेम प्ले थोड़े अच्छे मिलेंगे, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ऑलमोस्ट भाई 15-16 के लिए मिलेंगे, 16 स्क्वाड या 16 डुओ को देखने के मिलेंगे। तो बस वेट फॉर 1 मंथ। अब देखो भाई, पीछे एक बॉट होता है जिसको भाई मैं मार देता हूँ।
अब भाई उसे मैं बंदा भी बता सकता था, बट सच बोलने में भाई मेरा खेल जाता है, क्योंकि भाई बॉट ही था जो मैंने मार दिया, तो एक किल उससे उसका बड़ा है। बट भाई देखो सामने की तरफ, मतलब बंदा फुल स्पीड में भाई बूस्ट में गाड़ी लिए जा रहा, और यहाँ पे तुम देखो मतलब ये सीन होता मेरे डिवाइस के साथ, ये जो गेम अटक रहा है ना, ये यही सीन होता है। अब सोचो इतने में कोई बंदा होता तो भाई पेल ही देता, बट भाई मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत इंटरनेट भी फ्लक्चुएट कर जाता है, तो तुम देख ही सकते हो भाई इतनी मुश्किलों से रियल में भी खेलता हूँ, और गेम प्ले रिकॉर्ड करते समय और भी मुश्किल आ जाती हैं। बट फिर मैं सोचता हूँ यार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है, उससे पहले कि भाई मेरे साथ कोई गलत सीन हो भाई मैं पुश कर देता हूँ उस बंदे पे। बट उससे पहले यार मैं पुश करने से पहले एक नेट भी ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि यार देखो नेट बहुत ज़्यादा सही रहता है, तुम लोगों को भी सलाह दे रहा हूँ भाई, नेट बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। अब इस नेट से हुआ क्या भाई, बंदे की मतलब लोकेशन रिवील हो गई, और भाई मैं इसे नॉक कर देता हूँ। अब मैं इस जगह भाई इतना ज़्यादा डर गया था कि भाई मैं मतलब बस हील लेने से पहले इसे फिनिश करना चाह रहा था, बट मैं फिर हील लेता हूँ और भाई अपने टीममेट से मतलब हेल्प करके बोल देता हूँ भाई उस बंदे को तू पेल दे जो दूसरा वाला बंदा आ रहा, भाई टीममेट पेल देता है नोबा। तो खैर इन दोनों बंदों को तो मतलब आकर ही सलामी दे दो, और ये दोनों बंदे तो पिल जाते हैं यहीं मौका है वारदात पे। अब भाई देखो यहाँ पे क्या होता है, ये तो नशेबाजी करके भाई ड्राइविंग कर ही रहा था, तब तक यहाँ पे एक बंदा दिख जाता है, और भाई बंदा जाता है भक्कर के लाल वाले घर में छुप जाता है, जो कि भाई मतलब बहुत ज़्यादा सही काम कर लिया उसने, बट बचने वाला फिर भी नहीं है, क्योंकि भाई पेलूंगा तो मैं ही। फाइनली भाई लाल वाले घर में थोड़ी देर टीवी लेने के बाद इस पर पुश कर देता हूँ, और भाई मुझे पता था ये बकचोदी मतलब बहुत ज़्यादा होती है, बंदे रीलोड करना स्टार्ट हो जाएंगे, गन चेंज करने में शर्म आती है, पता नहीं कोई ऐसे पूछ लेगा बेटा दुल्हन काली लेगा या गोरी, मतलब इतनी ज़्यादा ऐसे बोलेंगे भाई मतलब समझ में नहीं आता भाई, इससे बढ़िया रीलोड करने से पहले गन चेंज कर लिया करो, दूसरी गन तो तुम मतलब ऐसे रखो जैसे मतलब कुछ पड़ोसी की गाड़ी है, कभी चलानी ना, ठीक है। अब गाइस मैं तो मतलब इतनी ज़्यादा चौड़ में आ गया था, बट भाई मैंने सोचा मैं ही चौड़ में हूँ, मेरा टीममेट बाद में, चलो भाई मेरा टीममेट मेरे से भी ज़्यादा चौड़ में, इतने ज़्यादा मतलब बंदे पैर रखे थे हम लोगों ने। तो क्या हुआ मतलब इस जगह पे बंदा लेटा, भाई मैं उससे बोला था भाई बंदा लेटा है, मतलब एनिमी जेड करके बता रहा था इशारों में, बट वो नहीं सुनता है, इस वाले घर पे लाके पटक देता है, और हम लोगों के साथ क्या हुआ तुम खुद ही देख लो यार। अमेरिका का दलाल बहनचोद, अमेरिका। अब सही बताऊं तो भाई ऐसा लग रहा है सैंडल उतार के इसे आरपीजी वाले के मुंह ही मुंह में दूं, मतलब पूरा गेम प्ले की बाट लगवा दी। खैर यही था गेम प्ले, होप आप लोगों को बढ़िया लगा हो, जिसको बढ़िया लगा वो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना, क्योंकि यार प्लीज़ कर देना यार।